नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। शुक्र जब अष्टम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देते हैं। अब जैसा कि आपको पता है, अष्टम भाव जो होता है अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। अष्टम भाव होता है पति पत्नी के बीच फिजिकल रिलेशनशिप या प्रेमी या प्रेमिका के बीच फिजिकल रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। अष्टम भाव जो होता है वो गुह्य ज्ञान यानी कि रहस्यमय चीज़ों पे भी इंटरेस्ट डालता है। तो जब अष्टम भाव में शुक्र विराजमान होते हैं तो ऐसी अवस्था में सबसे पहली चीज़ जो होती है, ऐसे लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि कई बार लोगों को पता नहीं चलता है, मतलब कि ये लोग छिप छिप के अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कंटिन्यू रखते हैं अगर शुक्र वहाँ पर अकेला विराजमान हो तो। ऐसे लोगों को बहुत ही गहन केमिकल के संबंध में, ये स्पेशली जो लोग फार्मास्यूटिकल्स या फार्मा लेके पढ़ाई करते हैं या फार्मा से रिलेटेड स्ट्रीम में अपना काम करते हैं, ऐसे लोगों को बहुत ही गहन नॉलेज होता है। ये लोग केमिकल के छोटे छोटे बारीकियों को पहचानते हैं और कई बार उस बारीकियों का इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए भी करते हैं। अष्टम भाव का शुक्र जो है, जैसे कि मैंने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, अगर वहाँ पर मंगल या शनि भी साथ में विराजमान है अष्टम भाव में शुक्र के साथ, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने मैरिटल अफेयर को कंटिन्यू करने के लिए अपने पहले स्पाउस यानी पहले जो इनके लाइफ पार्टनर है उनको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करते हैं, मतलब किसी भी हद तक जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग अपने प्यार के पीछे इतने पागल होते हैं कि अपने लाइफ पार्टनर का गेम भी बजा डालते हैं। तो यहाँ पर वाइल्डनेस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि शुक्र के साथ मंगल या शनि भी विराजमान होते हैं। अगर वहाँ पर चंद्रमा या फिर बृहस्पति विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर के उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को इग्नोर करते हैं या बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। रहते तो साथ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उन सब चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। यही अष्टम भाव का शुक्र अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव में देखने के कारण ऐसे लोग मधुरभाषी भी होते हैं, मतलब दूसरे लोगों को बहुत ही प्रभावित करते हैं। ये लोग अच्छा गाना गाना जानते हैं, अच्छे अच्छे बातें करना जानते हैं। अच्छी बातें का मतलब ये होता है कि दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर डालते हैं। अष्टम भाव का शुक्र अगर काफ़ी प्रभावी ढंग से बैठा हुआ है, एक तरह से कह लीजिए कि किसी भी पापी ग्रह से ग्रस्त ना हो या नीच का ना हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति के अंदर हर एक चीज़ की बारीकियां परखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अष्टम भाव का शुक्र व्यक्ति को एक तरह समझ लीजिए कि स्मगलिंग का काम या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इलीगल काम या इलीगल चीज़ों को बिना किसी पेपर के बाहर एक्सपोर्ट कर देना या बाहर से इम्पोर्ट करना, इस तरह के काम का भी आइडिया होता है। अगर वहाँ पर मंगल और शनि विराजमान है तो ऐसे लोग अवैध हथियार भी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। अष्टम भाव में अगर शनि और शुक्र एक साथ में विराजमान है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति केमिकल्स का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इलीगली करता है यानी स्मगलिंग करता है, और इन लोगों को वो रास्ता मिल भी जाता है। बहुत ही शातिरता से, बहुत ही मतलब बारीकी से ऐसा काम करते हैं कि किसी को पकड़ में भी नहीं आता। अक्सर ऐसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है। अष्टम भाव के शुक्र के साथ मंगल और शनि विराजमान हो तो ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर वहाँ पर सिर्फ शुक्र और राहु विराजमान हो तो ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने के साथ साथ अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाता है। अष्टम भाव का शुक्र व्यक्ति को हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों से संबंधित बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा देता है। प्लस ऐसे लोगों को कपड़ों के बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिलता है। ऐसे लोग केमिकल के बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अष्टम भाव अगर चंद्र की राशि हो और वहाँ पर शुक्र विराजमान हो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को जल से भय हो सकता है, यानी कि समुद्र के पानी में, समंदर में डूबना या किसी नदी में डूबने की संभावना बनी रहती है। ऐसे लोगों को फूड पॉइजनिंग होने की भी संभावना रहती है। अगर अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है और राशि चंद्रमा की राशि है तो ऐसी अवस्था में अगर कन्या की कुंडली है तो उनको सिस्टिक ओवरी या सिस्ट से रिलेटेड, स्पेशली गायनिक
प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। हालांकि ट्रीटमेंट हो जाता है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है इस तरह के डिजीज होने की। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में शुक्र है तो आपको सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। उपाय के तौर पर हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी में आप कन्याओं की सेवा करें या कन्याओं को कुछ ना कुछ दान दें, उनको भोजन करवाएं, उससे शुक्र जो है काफ़ी मजबूत होते हैं और उनके नकारात्मक फल में जो है वो कमी आती है। और दूसरा उपाय ये है, आप चीनी या मीठे चीज़ों से जितना हो सके दूर रहिए। अगर आपको मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, अदरवाइज़ किसी भी तरह के जो सफ़ेद चीनी होते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।